नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रही हैं बोल स्काई। हमारे समाज में एक दूसरों की खुशियों को साझा करने की परंपरा है। कई शुभ अवसरों पर हम अपने दोस्तों और प्रियजनों को उपहार में कई चीजें देते और लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कई चीजें ऐसी होती हैं जिसे उपहार में देने पर अशुभ फल की प्राप्ति होती है और लगातार हानि होती चली जाती है। आज हम आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको उपहार में देने से आपको आर्थिक नुकसान और परेशानी हो सकती है। किसी भी शुभ अवसर पर अक्सर लोग एक दूसरे को भगवान गणेश की मूर्ति देते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में भगवान गणेश की मूर्ति के साथ माता लक्ष्मी की तस्वीर भी देते हैं। कभी भी गणेश जी की मूर्ति के साथ माता लक्ष्मी की मूर्ति को नहीं देना चाहिए। इससे धन के आने की जगह हानि होने लगती है, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है और भगवान गणेश की माता है। वास्तु शास्त्र में धारदार हथियार या नुकीली चीजों को उपहार में देना वर्जित माना गया है। इस तरह के उपहार लेने और देने से घर पर कलेश और अशांति का माहौल रहता है। किसी को काले रंग के कपड़े और जूते का उपहार नहीं देना चाहिए, क्योंकि काले रंग को अशुभ माना जाता है। काले रंग के कपड़ों को उपहार में देने पर जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। उपहार में हिंसक जानवरों की तस्वीर ना दें और ना ही लें। ऐसी तस्वीरें उपहार में देने से घर में अशांति का माहौल रहता है। वास्तु के अनुसार किसी को उपहार में रुमाल नहीं देना चाहिए। रुमाल को उपहार में देने से नकारात्मकता बढ़ती है और एक दूसरे के रिश्तों में खटास पैदा होने लगती है। तो इस तरह वास्तु के अनुसार आप भी इन चीजों को उपहार में देने से परहेज करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई से।